शिव धनुष। ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा ने ऐसे दो धनुष बनाए थे, भगवान शिव के लिए पिनाक और भगवान विष्णु के लिए सारंग। ये वही धनुष है जिससे शिवजी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। शिवजी ने वो धनुष जनक राजा के पूर्वज राजर्षि देवरात को धरोहर के रूप में दे दिया था। उस धनुष को राजा जनक 8 पहिए वाले लोहे के संदूक में रखते थे और उसे ले जाने में नगर के सबसे शक्तिशाली 500 भैंसे और 5000 हट्टे कट्टे पहलवान भी ठेलते वक्त बार बार मूर्छित हो जाते थे। अगर आज के हिसाब से गिने तो वजन खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक कैनेडा के पहलवान के नाम पर है, जिसने लगभग 1,00,000 किलो का ट्रक खींचकर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अरे ये तो फिर भी कलयुग का पहलवान है। अभी सुनो, हमारे तो त्रेता युग के थे, मतलब आज से कम 1,000 गुना ताकतवर। और वैसे भी 1 नहीं 10 नहीं 100 नहीं 5,000 पहलवान। चलो गिनती करते हैं, 1,00,000 किलो गुना 1,000 गुना ताकत गुना ऐसे 5,000 पहलवान कितना हुआ? 500 बिलियन किलो, मतलब 5 के पीछे 11 शून्य। वाशिंगटन डीसी का मॉन्यूमेंट भी कुछ 70 मिलियन किलो का है, मतलब ऐसे 6-7 वाशिंगटन डीसी को कांटे पे एक तराजू पे रख लो फिर भी शिव धनुष चींटी जितना भी नहीं हिलेगा। समझ पा रहे हो, 500 बिलियन किलो का था हमारा शिव धनुष, वो भी कम से कम, ज्यादा हो सकता है पर कम नहीं। अब सोचो, इस धनुष को माता सीता दाहिने हाथ से उठा के फल गिराया करती थी। अब समझ आया जनक महाराज क्यों चिंता कर रहे थे सीता माता के विवाह की? और क्यों ना करें, अगर उनका दामाद इस धनुष की कम से कम प्रत्यंचा ना चढ़ा सके तो ऐसे दामाद को तो माता सीता अपनी टचली उंगली से दबा के बिठा देती। तो चिंता तो जायज थी महाराज की। फिर उनकी चिंता हरने कोमल कमल सा मुस्कुराता चेहरा लिए पधारे हमारे हीरो प्रभु श्री राम। उन्होंने धीरे से धनुष को प्रणाम किया और ये एक हाथ से धनुष उठा लिया, फिर धनुष के नीचे के छोर को पैर के अंगूठे में फंसाया और फिर थोड़ा मुस्कुराए और फिर प्रत्यंचा को ऊपर खींचने की बजाय धनुष को नीचे खींचने लगे और ऐसे धनुष को तोड़ दिया जैसे कोई गन्ने का डंडा हो। वो तोड़ने में फिर क्या हुआ, खैर वो तो एक अलग से कथा हो जाएगी, याद कराइएगा किसी दिन सुना देंगे। तो ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम ने जनक महाराज की चिंता का कर दिया राम बाण इलाज। तो अगली बार जब ये शब्द मुंह पे आए तो शुरुआत किसने की थी यह सोच के एक बार प्रणाम जरूर कर लेना, ठीक है? चलो तो मिलते हैं अगली बार एक और कथा लेके। तब तक क्या, दाल रोटी खाओ और हरी गुण गाओ।